गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, जिसमें हमने यहाँ तक कर लिया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है. अब हम आगे पढ़ेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन का हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में क्या यूज़ होता है. तो देखो, इनडाइजेशन, ये जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है उसके बारे में दिया गया है, जो खाना नहीं पचता है तो वो किस वजह से होता है, उसको हम कैसे ठीक करते हैं न्यूट्रलाइजेशन से. When we eat very spicy food, the stomach produces a large amount of hydrochloric acid that causes acidity. जब हम बहुत चटपटा खाना खा लेते हैं तो क्या होता है, जो हमारा पेट है उसमें बहुत ज़्यादा HCl निकल जाता है लार्ज अमाउंट में, जिस वजह से क्या होता है, एसिडिटी हो जाती है, जिसको लोग हिंदी में बोलते हैं लोग गैस बन गए. दिस कंडीशन इज कॉल्ड इनडाइजेशन. और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इनडाइजेशन, यानी जो हमारा डाइजेशन है, जो पाचन प्रक्रिया है, वो ढंग से नहीं हुई है, हमारा खाना ढंग से नहीं पचा है. इट इज़ पेनफुल एंड कैन डैमेज द वॉल ऑफ द स्टमक. ये बहुत दर्दनाक होता है और ये हमारे जो स्टमक है, हमारा जो पेट है, उसकी वॉल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है HCl. इफ़ नॉट कंट्रोल, अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो इट कैन कॉज स्टमक अल्सर, इसकी वजह से स्टमक अल्सर भी हो सकता है. इन ऑर्डर टू क्योर इनडाइजेशन वी टेक वीक बेसिस कॉल्ड एंटासिड्स सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. हम इसको करेक्ट करने के लिए इनडाइजेशन को हम वीक बेसिस लेते हैं. और वीक बेसिस जैसे कि जिसको हम एंटासिड्स भी कहते हैं, एंटासिड्स, ठीक है. और वो वीक बेस क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. इट कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसको हम वीक बेस कहते हैं. दैट helps to neutralize the effect of excessive acid produced in our stomach. और ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, किसमें हेल्प करता है, हमारे पेट में जो लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड निकल गया उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है. इट गिव्स रिलीज टू द पर्सन सफरिंग फ्रॉम इनडाइजेशन. ये उस पर्सन को आराम पहुँचाता है जो किस वजह से पेट है, इनडाइजेशन से, जिसका फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ इस वजह से. यू मे विजिट अ डॉक्टर एंड फाइंड आउट द मेडिसिन दैट गिव टू ट्रीट एसिडिटी. अगर आप चाहें तो आप डॉक्टर के पास जाके पूछ सकते हैं और उनसे जान सकते हैं कि एसिडिटी में जब गैस बनती है तो कौन सी दवाइयों का यूज़ किया जाता है, ठीक है. सेकेंड देखो, सॉइल ट्रीटमेंट. सॉइल को ट्रीट करने के लिए भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूज़ किया जाता है. कैसे अप्लाई करते हैं देखते हैं. प्लांट्स ग्रो वेल इन न्यूट्रल सॉइल. प्लांट्स क्या है, जो न्यूट्रल सॉइल होता है जिसमें ना तो एसिड प्रेजेंट होता है ना ही बेस, उसमें प्लांट्स अच्छे से ग्रो करते हैं. प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक. जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं अगर जो सॉइल है, यानी मिट्टी है, अगर वो ज़्यादा एसिडिक है और ज़्यादा बेसिक है तो. ए, एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल्स. केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक्स द सॉलिड सॉइल एसिडिक. एसिडिक सॉइल कैन बी ट्रीटेड विद बेसिस सच एज क्यूक लाइम और स्लैक लाइम. दीज बेसिस न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड्स प्रेजेंट इन द सॉइल एंड हैंस सॉइल बिकम्स न्यूट्रल. तो जब हम बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर लेते हैं सॉइल में, तो सॉइल क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है. और उसको ठीक करने के लिए हम बेसिस का यूज़ करते हैं, जैसे क्यूक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड और स्लैक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिससे कि जो रिएक्शन है वो न्यूट्रलाइज हो जाए और सॉइल ठीक हो जाए, ठीक है. फिर नेक्स्ट है, द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर कॉल्ड मैन्योर और कंपोज एडेड टू द सॉइल व्हेन इट is too basic. Manure releases acid that neutralize the basic nature of the soil. तो हम जब बहुत ज़्यादा manure का use करते हैं तो soil basic